छत्तीसगढ़ दुर्ग के भाजपा पार्षद को भूमि संबंधी विवाद को सुलझाने विवादित स्थल पर पहुंचना भारी पड़ गया। इस मामले में एक पक्ष ने भाजपा पार्षद सहित चार लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया। दुर्ग के आमली मंदिर वार्ड 24 के भाजपा पार्षद नरेश तेजवानी को वार्ड के दो पक्षों के बीच चले आ रहे भूमि संबंधी विवाद को सुलझाने विवादित स्थल पर पहुंचना भारी पड़ गया। इस मामले में एक पक्ष जगप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी की शिकायत पर मोहन नगर पुलिस द्वारा पार्षद नरेश तेजवानी समेत चार लोगों के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट करने की धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया। पार्षद तेजवानी के खिलाफ मामला दर्ज होने से उनके समर्थन में आए नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, पार्षद अजीत वैद, पार्षद ओम प्रकाश सेन सहित अन्य पार्षद के अलावा वार्डवासियों ने सोमवार को मोहन नगर पुलिस थाना पहुंचकर मामले के फर्जी होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने थाना प्रभारी से मुलाकात की और पार्षद के खिलाफ शिकायत की बगैर जांच की आनन-फानन में कार्रवाई करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने शिकायत की जांच कर पार्षद को न्याय प्रदान करने की भी मांग की। मांगों पर मोहन नगर थाना प्रभारी ने पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल को मामले की नए सिरे से जाँच कराने का भरोसा दिलाया। जांच के तहत पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, जिससे पार्षद नरेश तेजवानी के खिलाफ किए गए शिकायत का सच सामने आएगा। मोहन नगर थाना प्रभारी द्वारा ये भी पार्षदों को आश्वस्त कराया गया है कि अगर पार्षद के खिलाफ शिकायत झूठी निकली तो शिकायतकर्ता जगप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इस पूरे मामले पर आमदी मंदिर वार्ड क्रमांक 24 के भाजपा पार्षद नरेश तेजवानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सिंधी कॉलोनी में गोल्डी पेंट्स व हार्डवेयर दुकान के पीछे स्थित भूमि को लेकर जुझार सिंह और जगप्रीत सिंह के बीच विवाद की स्थिति थी। 75 वर्षीय बुजुर्ग जुझार सिंह उक्त भूमि पर नगर निगम से अनुमति लेकर मकान में स्लैब ढलाई करवाने की बात कहकर मुझे मौके पर बुलाया। वार्ड का पार्षद होने के नाते मैं जुझार सिंह के बुलावे पर मौके पर पहुंचा। तब जुझार सिंह ने निर्माण से संबंधित नगर निगम की अनुमति पत्र भी दिखाया, जिस पर मैंने जुझार सिंह को स्लैब ढलाई करवाया। झूठा आरोप है। मेरे वार्ड में ना एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना घर बना रहा था और विधिवत नियंता निगम की परमिशन लेके बना रहा था। गोल्डी पेंट वाला उसके यहाँ आया तोड़फोड़ करने। मैं मामले का समझौता कराने गया, ठीक है, और उसने मेरे खिलाफ गलत ढंग से FIR करवा दिए। पुलिस ने भी इस चीज का ध्यान नहीं दिया। एक जनप्रतिनिधि को सही मामले में गलत मामले में उसको सामने आना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। इस तरीके से अगर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ FIR होने लगेगी ना, तो हमको ना शहर में जितने जन से रेल पुस्तिका इकट्ठी करनी पड़ेगी जमानत कराने के लिए। हम सही गलत फैसला करके जो सही होगा उसके साथ रहेंगे और जो गलत रहेगा उससे किनारा करेंगे। जीवन में मध्यस्थता के लिए जाना हम सबकी ड्यूटी है और हम सब पार्षद जाया करते हैं। कल माननीय नरेश तेजवानी जी भी उसी क्रम में अपने दो पक्षों के विवाद के बीच में गए थे, पर वहां मारपीट जैसी कोई घटना हुई नहीं। और जो पुलिस मोटरसाइकिल घूमने पे 3 दिन से मुझे आवेदन लिखवाए, कोई भी बात हो जाए 3 दिन आवेदन ले, वो सीधे सीधे FIR किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर करे, इसके पहले उन्हें सोचना चाहिए था। पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा हुई है, उन्होंने कहा है निरचिर जांच की जाएगी, माननीय पार्षद जी का नाम उस FIR से हटाया जाएगा और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसी मांग को लेकर हम सब आए थे और वो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि ये ठीक करके देंगे। पुलिस सही तरीके से काम करनी, पुलिस जल्दबाजी में गई हुई तो कार्यशैली को सुधारना पड़ेगा और ये हमारी ड्यूटी में भी है। हम सार्वजनिक जीवन में आज हमारी सरकार है, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक पीड़ित को न्याय मिले, इसके कारण ही आज हमारा आना हुआ है। जी नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तमाम अपराध नियंत्रित हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं, पर काम करते करते जहाँ कोताहियां होती है, जहाँ त्रुटि होती है, उसे सुधारना भी हमारी ड्यूटी है, इसलिए हम यहाँ तक आते हैं। इसलिए तो हमको यहाँ तक आना पड़ा, इसीलिए आना पड़ा। और चलिए फिर से कि पुलिस उनका नाम हटा दी है, जल्दबाजी में पुलिस जनप्रतिनिधियों को ऐसे मामलों में जाना पड़ता है, जल्दबाजी में काम न करें। जहां उनकी बातें आए तो बराबर विवेचना कर ले और तब कार्यवाही करें, ये पुलिस विभाग से हमारी मांग है। थाना मोहन नगर का मामला है, इसमें दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना थाने में मिली थी, तो इन लोगों के बीच में आपस में किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था,
और इसके कारण इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो थाने में दोनों पक्षों का FIR लिया गया। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।